हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हो डीएमडी क्रिक पॉइंट। दोस्तों, जब भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई भी टेस्ट सीरीज खेली जाती है तो उस टेस्ट सीरीज का नाम दिया जाता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो आखिर में ये जो नाम है वो कहां से लिया गया है और सबसे पहले इस नाम को कब से जोड़ा गया है, यानी कौन सी वो सन है जब से इस नाम को जोड़ा गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट सीरीज होती है उसके साथ, आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप लोग को नहीं पता है कि बॉर्डर गावस्कर कहाँ से नाम लिया गया है तो वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे उन लोगों को भी पता चल जाए। और कमेंट करके ये जरूर बता देना आप लोगों को क्या लगता है, इस टेस्ट सीरीज को इंडिया जीत पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी, कमेंट करके जरूर बता देना। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, इस टेस्ट सीरीज का नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ही क्यों रखा गया है। तो दोस्तों, 1996 में सबसे पहले इस सीरीज का नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रखा गया है। और दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों को इंडिया के बैट्समैन सुनील गावस्कर देखने को मिल जाते हैं, उसी तरीके से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के भी एक बैट्समैन है जिनका नाम है एडन बॉर्डर। तो इन दोनों के नाम पर ही दोस्तों इस सीरीज का नाम रखा गया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और ये दोनों बल्लेबाज हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं, दोनों ही अपने अपने देश के लिए महान बल्लेबाज हैं। तो इनके ही नाम पर सन 1996 में सबसे पहले जब भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाएगी तो उसका नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रखा जाएगा, ये दोस्तों वहां पर डिसाइड कर लिया गया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अब तक जितनी भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई हैं उनको ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीता है और इंडिया ने कितनी बार जीता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहो, ये भी आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, जो सबसे पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई थी वो खेली गई थी दोस्तों 1996 में, और जिसमें केवल एक ही टेस्ट मैच खेला गया था और जिसको दोस्तों भारत ने 7 विकेट से जीत लिया था। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी सीरीज खेली गई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की वो 1998 में खेली गई थी, और दोस्तों तब यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत का दौरा किया था और इस दौरे पर यह सीरीज भारत ने 2-1 से जीती थी। उसके बाद दोस्तों जो तीसरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई थी वो 1999 और 2000 में खेली गई थी, और इस सीरीज में दोस्तों 3 मैच खेले गए थे जिनको दोस्तों यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर अपने नाम कर लिया था। उसके बाद दोस्तों इसी तरीके से फोर्थ जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई थी वो 2001 में खेली गई थी और इस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया 2-1 से हार गई थी। उसके बाद दोस्तों जो अगली सीरीज खेली गई वो 2003 और 2004 में खेली गई, जो कि दोस्तों 4 मैचों की थी और इस सीरीज में 1-1 से बराबरी रही। और अगली सीरीज जो खेली गई वो 2004 और 5 में खेली गई, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम की। उसके बाद दोस्तों जो अगली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई वो 2007 और 8 में खेली गई, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीत लिया। उसके बाद दोस्तों जो अगली सीरीज खेली गई वो 2008 और 9 में खेली गई, जो कि भारत ने 2-0 से जीत ली। और उसके बाद दोस्तों जो 2010 और 2011 में 2 मैचों की सीरीज खेली गई थी, इस सीरीज को भारत ने 2-0 से अपने नाम कर लिया था। और उसके बाद दोस्तों जो अगली सीरीज खेली गई थी वो 2011 और 2012 में खेली गई, जिसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से इस सीरीज को जीत लिया। उसके बाद 2012 और 2013 में भी 4 मैचों की सीरीज खेली गई, जिसमें दोस्तों यहां पर पिछली सीरीज का बदला लेते हुए भारत ने 4 मैचों को जीत लिया था। उसके बाद 14 और 15 में जो सीरीज खेली गई इसमें दोस्तों 4 मैचों की सीरीज थी और इस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीत लिया। उसके बाद 2016 और 2017 में जो सीरीज खेली गई वो दोस्तों 4 मैचों की सीरीज थी और भारत ने इस सीरीज को 2-1 से जीत लिया। और उसके बाद दोस्तों जो 2018 और 2019 में टेस्ट सीरीज खेली गई, इस सीरीज में दोस्तों भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से सीरीज हरा दी। और उसके बाद दोस्तों 2020 और 2021 में जो टेस्ट सीरीज खेली गई इसको भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम कर लिया था। और अभी दोस्तों होनी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2023 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अब इस सीरीज को कौन जीतेगा इसके बारे में तो बाद में ही पता चलेगा जब ये 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता सकते हो क्या आप लोग को इस सीरीज के बारे में, इस नाम के बारे में पहले से पता था कि जो सीरीज इसका नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्यों रखा गया है। हाँ, मैं मान सकता हूं आप लोगों को एक नाम पता होगा सुनील गावस्कर जी का, लेकिन जो दूसरा नाम है वो आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।